Hi, I'm Sharad Kataria, director of 10ml Love, and you're watching India Glitz. Look, people have already been materializing love. I just given quantity to it. So 10ml Love is, I think, good enough for the people of this country to have. Process start hua tha. पिक्चर लिख रहे थे हम लोग. फिल्म के अंदर एक मैजिक पोर्शन है जिसका नाम है जोशे जवानी. और जोशे जवानी जो था वो पहले वो पिक्चर का टाइटल नहीं रख सकते क्योंकि सुन के लगता है कि कोई बहुत ही शेडी फिल्म है. तो हमने उसको अवॉइड करने के लिए फिल्म का रखा कि ओके है तो बॉटल ही ना, सो लेट्स कॉल इट 10ml लव. सजेशन हुआ था कि 5ml लव. मुझे लगा बहुत कम है, ठीक है पिक्चर लो बजट है, नाम तो बड़ा हो सकता है. सो वी सेड ओके लेट्स मेक इट 10ml लव. I wanted to take, nobody wanted me to take Rajat Kapoor in the film. सबका कहना था कि यार बहुत पॉश लुकिंग है, बहुत कॉर्पोरेट टाइप, एनआरआई टाइप के. पर मुझे लगा कि यार वो तो टाइप कास्ट है ना, एक बार टेस्ट करते हैं रजत के साथ. तो हमने कुछ सीरीज ऑफ टेस्ट किए थे, बहुत सारे कॉस्ट्यूम ट्रायल्स किए, बहुत सारे तरह के हेयर कट्स ट्राई किए. उसके बाद फाइनली हम लोग के पास एक रेफरेंस फोटो था जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स खींच के लाए थे रेलवे स्टेशन से. तो हमने कहा इसके साथ वो पर्सन लुक वेरी सिमिलर टू रजत, लेट्स मैच हिम, रजत मैच टू दिस गाय. तो हम लोगों ने रजत को मेहंदी दी बालों में, तो ऐसा यहाँ लाल हो गया, सफ़ेद जहाँ था, और अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम. उसके बाद समहाउ ही मैनेज टू बिकेम द कैरेक्टर. वही जिटर तो उनको होता है जिनकी फिल्म को, जिनको लगता है कि वो मेरे 100 करोड़ लोग उधर चले जाएंगे. तो ये तो वैसे ही छोटी फिल्म है, इसकी तो ऑडियंस भी सेम नहीं है, तो जिटर्स किस बात का है. बल्कि ये है कि हाँ एटलीस्ट इसी बहाने थोड़ा स्पेस शायद मिल जाएगा क्योंकि और कोई और फिल्में नहीं है. नहीं तो हर हफ्ते 3 फिल्म 4 फिल्म 5 फिल्म वो रिलीज़ होती हैं, तो सब एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं आपस में. तो अभी तो अक्षय कुमार है, उसके साथ हमारी क्या लड़ाई है. बल्कि मैं तो वो रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो बोल दें कि जिनको टिकट नहीं मिल रही वो जाके 2 घंटे के लिए 10ml लव देखें और फिर वापस आएँ खिलाड़ी 786 देखने. आई वॉज डायरेक्टिंग अ फीचर फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम, बट नॉट दैट दैट आई हैव नेवर डायरेक्टेड बिफोर. सो इट वॉज इन वेरी डिफिकल्ट, ऑनेस्टली टेलिंग यू. डायरेक्टर्स जॉब इज द इजिएस्ट बिकॉज ही इज द वन हु हैज टू डू नथिंग. सब तो अपना अपना काम करते हैं, वो तो बस मॉनिटर के सामने बैठ के हूँ हाँ ना नू करता है कि ये पसंद आया ये नहीं पसंद आया, ऐसा कर लो ऐसा कर लो. बट डायरेक्टर हैज द लीस्ट टू ऑफर ऑन द सेट, ही हैज टू जस्ट सी दैट इफ द थिंग्स आर गोइंग राइट. आप जाके पिक्चर देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा. फिल्म फनी है और फिल्म एंटरटेनिंग है और बस अच्छी लगेगी आपको, दिल को भी छुएगी आपके. फिल्म छोटी है लेकिन कहानी बहुत मोटी है.